आओ तो वचन की ओर चले और बाइबल से रोमी की पत्री, रोमी की पत्री उसका 12वां अध्याय और पढ़ने वाले सारे अच्छे से पढ़े ताकि सभी को अच्छे सुनाई दे। रोमी 12 उसके 9वें पद से लेकर उसके 21वें पद तक। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, बहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, हे प्रियो अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता के वचन सच्चे है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित है और उनके वचन भी जीवित है और इसलिए वो अपने जीवित वचन से हम सभी से बातचीत करते। जब परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र देश से निकाला था तब मिस्र से कनान देश तक का जो रास्ता था, मतलब वचन के देश तक का जो रास्ता था वो सिर्फ 14 दिनों का था। सभी लोग अपना ध्यान बनाए रखें, कितने दिन का रास्ता था? 14। सिर्फ 14 दिन का रास्ता था और इज़राइल के लोग उस वचन के देश के पास उसके करीब तकरीबन 11 महीने में पहुंचे थे। 14 दिन का रास्ता था लेकिन वहाँ पर पहुँचते उनको तकरीबन 11 महीने लग गए थे। बीच में एक मूसा 80 दिन 80 रात सिनाई पहाड़ के ऊपर, पूरे पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के साथ रहे थे। फिर अमालेक के साथ कुछ युद्ध भी हुआ था, फिर परमेश्वर ने मिला पाला तंबू बनाने को कहा था, उसके सारे बर्तन बनाने को कहा था। उस सारी बातों में कुछ वक्त चला गया और उनको वहाँ पर पहुँचते तकरीबन 11 महीने लग गए। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अब एक काम कर, जो इसराइल के 12 गोत्र है उन सभी में से एक एक को चुन और उनको उस कनान देश में वचन के देश में भेज ताकि वो जासूसी कर आए, वहाँ पर देख कर आए वो देश कैसा है, वहाँ के फल कैसे हैं, वहाँ की जमीन कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वो सब कुछ वो लोग देख कर आए। इसलिए बोले तू सभी गोत्र में से एक तू उनको भेज। अभी 12 लोग जिनको मूसा ने चुना वो लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर वो लोग 40 दिन रुके।
अभी देखो जासूसी करना वो ऐसी वैसी बात नहीं है। अगर किसी और देश का कोई जासूस अगर यहाँ पर आ जाए और हमारे देश वाले अगर उसको पकड़ ले तो उसको बहुत कड़ी सजा हो सकती है, जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। जासूसी करना ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन जब वो जासूसी कर आए तो उन लोगों ने ऐसा कहा कि वहां के लोग जो है वो तो राक्षस के समान है, हम उनके सामने टिड्डियों के जैसे थे, उनकी निगाहों में भी और हमारी निगाहों में भी। इन लोगों ने ऐसा कहा कि उनकी निगाह में हम लोग टिड्डी के समान। गिनती 13 अध्याय और उसके आखिरी पदों में पढ़ना तो ये बात लिखी हुई है। बस सामने वालों ने इन 12 लोगों को देखा था, ये लोग छिप छिप कर रहे फिरे, ऐसा नहीं हुआ किसी के हाथ में नहीं है लगे। और इसराइल लोग रास्ते में युद्ध करते करते आए हुए थे और वो लोग चारों ओर फेमस हो चुके थे। परमेश्वर ने मिस्र देश में कैसे कैसे चमत्कार किए थे, वो सभी जगह पर फेमस थे। रहाब जो वहीं की थी रहने वाली, उसने कहा था कि बोले आपके परमेश्वर तो बहुत भयानक से परमेश्वर है, उन्होंने कैसे कैसे चमत्कार किए वो सुनकर हम तो डरते हैं। बोले वहीं पर ये लोग गए थे, उन लोगों की निगाह में ये लोग आए थे, लेकिन ये लोग इतने हट्टे कट्टे थे तो ये लोग नहीं डरे इन 12 लोगों से। बोले चाहे रास्ते में इन लोगों ने जो किया किया, चाहे इनके परमेश्वर ने चाहे कितने भी बड़े काम किए तो किए, कोई बात नहीं, यहाँ पर आने तो दिखा देंगे, इसलिए इन 12 को मारा भी नहीं। बोले कोई बात नहीं, जितना देखना है देखो, जितने फल ले जाना चाहते हो ले जाओ, जब लड़ाई की बारी आएगी तब देख लेंगे। इनको डर नहीं था इनसे, इसराइल से उनको कोई डर नहीं लगा था। वहां पर ये लोग छिप कर नहीं रहे थे। अभी सभी लोगों ने वहां पर जासूसी की और 40 दिन के बाद कुछ फल लेकर वो लोग वापस आए। उसके बाद वो जो 12 लोग थे उन लोगों ने आकर जो बात बताई कि वहां के लोग राक्षस के समान है, उनकी हाइट बॉडी ऐसी है कि हम उनके सामने टिड्डी के समान हम दिखाई देते थे। लेकिन उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिनका नाम था यहोशू और कालेब। ये दोनों पूरी तरह से विश्वास में थे। बोले चाहे जैसे भी दिखते हो लेकिन कोई बात नहीं, हम वहां पर जाएंगे और परमेश्वर उनको हमारे वश में कर देंगे। लेकिन बाकी के 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरा हल्ला मचा दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर हमको यहां पर मरने के लिए लेकर आए, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी। बोले अब ऐसा करते अगुवे ठहराओ जो हमको वापस मिस्र देश में लेकर जाए और वहां हम वापस गुलामी करेंगे, लेकिन इस देश में हमको नहीं जाना है, ये तो लोगों को खा जाए ऐसा देश है, चाहे फल अच्छे जमीन अच्छी है कुछ भी है लेकिन वो तो हमको खा जाएंगे, परमेश्वर हमको यहां पर मरने के लिए लेकर आए। और उन 10 लोगों की वजह से जिन लोगों की गिनती की गई थी 603,550, उसमें से 2 लोगों को निकाल दो, यहोशू और कालेब को, 603,548 वो भी सारे उनकी बातों में आ गए। अभी देखो एक बड़ी सी कौम है उसमें कम से कम 603,548 वो लोग जोरों जोरों से चिल्ला रहे परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए, परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए। कितना बड़ा शोर शराबा होगा कि? और उस वक्त परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गए और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा अब एक बात समझ ले, मैं तेरे से एक दूसरी कौम बनाऊंगा,
लेकिन इन सभी को तो मैं खत्म ही कर दूंगा। अभी मूसा ने परमेश्वर को समझाया, मूसा परमेश्वर है क्या? परमेश्वर क्या सोचते हो कि अगर आप एक इंसान की तरह इस पूरे कौम का आप नाश कर दोगे, तो जहां से आप उनको निकाल कर लेकर आए वो लोग क्या बोलेंगे कि देखो इनका परमेश्वर उस देश में नहीं ले जा सके, इसलिए रास्ते में खत्म कर दिया। परमेश्वर नहीं है यहां तो आपके पता नहीं हो सकते, आप ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना है, आप सभी को खत्म मत करो। तो परमेश्वर ने बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एक दूसरा दंड दिया और गिनती की किताब में ऐसा लिखा है, गिनती उसका 14वां अध्याय और उसका 34वां पद, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन उसकी गिनती के अनुसार, दिन पीछे एक वर्ष, एक दिन के पीछे एक साल, अर्थात 40 वर्ष तक, 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। हाँ, मैं यहोवा ये कह चुका हूँ। परमेश्वर ने कह दिया अब 40 साल तक आप वहां पर नहीं जा पाओगे। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि परमेश्वर ने दंड दिया कि अब 40 साल तक तुम लोग वहां पर नहीं जा पाओगे। और फिर उसका 30वां पद पढ़ दो, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशुआ को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुम उसको उसमें बचाऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने कहा सिर्फ यहोशू और कालेब, सिर्फ ये दोनों ही उस देश में जाएंगे, बाकी और कोई नहीं। अभी गिनती 13 और 14 घर पर जाकर शांति से उसको पढ़ लेना। जो 12 गोत्र है उसमें लेविक के गोत्र की गिनती नहीं है, 603,550 में लेवी लोगों की गिनती नहीं की गई। परमेश्वर ने ऐसा बोला था लेवी लोग मेरे, लेवी लोग मतलब सेवा करने वाले लोग, परमेश्वर ने बोला था ये सारे जो है सेवा करने वाले लोग वो मेरे। और मूसा भी लेवी के कुल से थे, उनकी गिनती भी 603,550 में नहीं थी। हालेलुया, मतलब लेवी का पूरा घराना, लेवी की चाहे जितनी भी संतान वो सब वो देश में जाने वाली थी। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जो लोग चिल्लाए उनमें लेवी का कोई नहीं है, जहां पर जासूसी करने जो 12 लोग गए उनमें लेवी का कोई नहीं है। यहां पर लेवी लोगों का कोई भी पाप जो है वो वहां पर नहीं है। यहोशू, कालेब और लेवी के जितने लोग थे वो सारे लोग वो तो उस देश में जाने ही वाले थे, उनका जाना पक्का था, लेकिन कब? 40 साल के बाद। हालेलुया, अब ये लोग जाएंगे तो सही, लेकिन 40 साल के बाद। अभी देखो हुआ क्या था, इज़राइल के लोग 400 साल से गुलाम बने हुए थे मिस्र देश में, उनकी चौथी पीढ़ी चल रही थी। परमेश्वर ने अब्राहम से भविष्यवाणी की थी, अब्राहम उनकी चौथी पीढ़ी को 400 साल के बाद मैं मिस्र देश से बाहर निकालूंगा, ये तो अब्राहम के साथ बात हुई थी, चौथी पीढ़ी तो भूल चुकी थी। होगा कोई, लेकिन ज्यादातर सभी लोग भूल चुके थे कि हमारा परमेश्वर भी कौन है। बाइबल पढ़कर देखना तो कहीं पर इन लोगों ने परमेश्वर से दुहाई नहीं मांगी कि परमेश्वर हमको यहां से बाहर निकालो, लेकिन परमेश्वर ने वो 400 साल याद किया, मैंने अब्राहम से वाचा की थी मुझे इनको छुड़ाना है। जब इनके पास कुछ आस नहीं थी, जब इनका छुटने का कोई भी दृश्य नजर नहीं आ रहा, ये सोच भी नहीं आ रही कि हम गुलामी से आजाद हो सकते हैं, उस वक्त अचानक से परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा वहां पर गए, मूसा ने कहा परमेश्वर ने भेजा है हमारे पूर्वज के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, ये तीन चमत्कार मुझे दिए, चमत्कार देख लो,
सभी ने विश्वास किया। अभी देखो जो 400 साल से गुलाम है, ये चौथी पीढ़ी जो पैदाइशी गुलाम है, ये भी बड़े हो चुके हैं 20 साल से बड़े, इनके जीवन में कोई भी आश नहीं है। और तब अचानक से एक आश नजर आई, क्या बात है, हम तो बाहर निकलेंगे, हम तो आजाद हो जाएंगे, हमको हमारा एक अलग से देश मिलेगा, हमारा घर मिलेगा, खेत मिलेगा, अंगूर की बारी मिलेगी, क्या बात है। आप सिर्फ अंदाजा लगाओ कि उन लोगों की जो खुशी होगी वो खुशी कितनी होगी, जब इतने चमत्कार के बाद जैसे वो लोग आजाद हुए होंगे, उनके अंदर से तलब कितनी बड़ी होगी, चलो भागते, चलो चलते, चलो उस देश में चलते। और सभी लोग उस देश की ओर वो लोग जा रहे, और परमेश्वर रास्ते में चमत्कार करते 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 उन लोगों को आगे बढ़ा रहे। और जैसे उस देश के पास पहुंचे, बोले मरने के लिए लेकर आए, परमेश्वर बोलता अभी 40 साल तक नहीं जाने दूंगा। देखो इनकी हालत कैसी हो गई, जब सामने देश, अभी तो जाना है, अभी तो घर हमारा। और तभी ऐसी खबर उनको मिली कि वहां के लोग तो राक्षस के समान है, हम तो मार दिए जाएंगे, हम मर जाएंगे। चल चल कर 11 महीने के बाद वो लोग वहां पर पहुंचे थे, कैसी हालत हो गई हुई, छाने का ब्रिज बन रहा था बरसों पहले। और जब हम सेवा में जाते थे तो जाते तो चले जाते थे, लेकिन अहमदाबाद से जब रात को निकलते थे, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, जैसे ही छाने आता था, अभी तो हमारा घर पास में, वो तो अभी दिखाई देता था, ये तो ब्रिज बन रहा है, रास्ता तो बंद है, पूरा घूम करो, इतना करो से घूम कर आओ। अहमदाबाद से आना है आसान लगता था, लेकिन जब घर आ जाता तब ऐसा घूमना ऐसा लगता रहा ब्रिज कब बनेगा। परमेश्वर इसको जल्दी बनाओ, इसको जल्दी बनाओ, उसके लिए प्रार्थना की, तलब होती है, अब मेरा घर, अब मेरी जगह, अब उसे शांति, अब उसे आनंद। और उसी वक्त परमेश्वर ने बोल दिया आप 40 साल तक नहीं जा पाओगे। चलो जो 603,548 लोग थे उन्होंने तो पाप किया ही था, जो 10 जासूस लोग थे उन्होंने तो बुड़बुड़ाना किया ही था, परमेश्वर के विरोध में काम किया ही था, लेकिन यहोशू की क्या गलती, कालेब की क्या गलती, जो लेवी के लोग हैं उनकी क्या गलती, इन लोगों का क्या पाप, इन लोगों का कोई पाप नहीं था, लेकिन किसी के पाप की वजह से अब ये लोग भी 40 साल तक वहां नहीं जा सकते। हालेलुया। उसके बाद मूसा बहुत क्रोधित हो गए, एक तो 40 साल बढ़ा दिए, और बोलता है प्यासा मरने के लिए लेकर आए, तो मूसा ने भी डांग ठोक दी, तू मूसा से भी गलती हो गई। अगर इस वक्त इन लोगों ने गलती ना की होती तो मूसा में भी पाप नहीं आने वाला था। हालेलुया। क्योंकि लोग लड़कर चले जाते, पानी की समस्या आती नहीं, लेकिन इन लोगों के पापों की वजह से मूसा के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि मूसा के जीवन में भी एक गलती आ गई, एक पाप आ गया। और परमेश्वर ने मूसा और हारून को भी बोल दिया अब तुम दोनों भी नहीं जाओगे। समझना इसको, मूसा की हालत कैसी हो गई। उसके बाद मूसा ने याद किया, परमेश्वर से कहा परमेश्वर ले जाओगे क्या। परमेश्वर ने बोला है मूसा आज के बाद इस बारे में बात मत करना। मूसा ने लोगों को याद दिलाया जब 40 साल के बाद एक बार फिर उसी जगह पर पहुंच गए, और 40 साल के बाद तब मूसा ने सब लोगों को खड़ा कर कर वो याद दिलाया मालूम है उस वक्त मेरे से गलती हो गई, तुम्हारी वजह से परमेश्वर मुझ पर भड़के बोले। अभी भी मूसा को गुस्सा था, बोले उस वक्त आप लोगों ने गलती नहीं की होती, मुझे क्रोध नहीं दिलाया होता तो मैं भी लाठी नहीं मारने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो देश मेरा भी चला गया। देखो कभी ऐसा हो जाए स्वर्ग उतार जाए, चल मेरे बेटा अब दुनिया पर नहीं, अब मैं तो डायरेक्ट स्वर्ग में लेकर जाता हूँ, और हाथ उठा कर लेकर जाए,
पहला आसमान, दूसरा आसमान, और वहां स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, पास में ही है, और आंख खुल जाए पता चले बिस्तर में तो परमेश्वर बोले चलो भाग यहां से, अभी नहीं, अभी तेरा टाइम बाकी है। तो इनके साथ कुछ ऐसा हो गया, और वो भी गलती जो थी वो गलती मूसा की नहीं थी, हारून की नहीं थी, यहोशू की नहीं थी, कालेब की नहीं थी, लेकिन दूसरों लोगों की गलती की वजह से इनको भी भुगतना पड़ा। अगर वो 10 लोग पाप नहीं करते तो मूसा के जीवन में ये परिस्थिति जो थी वो परिस्थिति मूसा के जीवन में नहीं आने वाली थी। हालेलुया। लेकिन अब मूसा भी जो है वो फंस गए उसमें। देखो कितने लोगों ने भुगता और किसके कारण, सिर्फ 10 लोगों की वजह से 603,548 भी गए, सिर्फ 10 लोगों की वजह से मूसा भी हारून भी। देखो इनका जीवन, इनका कुड़कुड़ाना, इनका विश्वास नहीं करना कितने लोगों के लिए बर्बादी का कारण बन गया, कैसा उनके साथ हो गया। अगर ये 10 लोग विश्वास करते तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन कितने लोग रास्ते में इन 10 लोगों की वजह से वो लोग नाश हो गए। बाइबल में लिखा है मूसा तो मर गए, यहोशू के हाथ में सब कुछ आया, और यहोशू अभी इनको वचन के देश में लेकर जा रहे। और वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय उसका पहला ही पद, परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। हालेलुया। किसने पाप किया? आकान ने। आकान ने पाप किया। और हुआ क्या, उसका 5वां पद पढ़ो तो। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, 36 लोगों को मार दिया और इसराइलों को हार कर भागे। देखो इनके जीवन में एक हार लिख दी गई इनके इतिहास में, 36 लोग मर गए। किसका पाप था? आकान। बहुत ध्यान समझता है परमेश्वर क्या कहना चाहते, आकान का पाप और यहां पर 36 लोग और मर गए। ये 36 लोगों का कसूर नहीं है, इनका पाप नहीं है, आकान ने पाप किया और भुगता किसने? 36 लोगों ने। देखो कुछ हो रहा है यहां पर, पाप कोई और कर रहा है, उसका दंड किसी और के ऊपर, किसी और को भुगतना होता है। इसराइल के ऊपर एक हार लिख दी गई कि ये लोग हार गए, जबकि लगातार जीत 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 करके वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन छोटे से देश उनको हरा दिया, ऐसा इतिहास में लिख दिया गया। आज चाहे ए वाले कोई भी हो और इसराइल चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन बोल तो सकते ना एक बार हमने आपको हराया था एक पाप की वजह से। देखो कितना बड़ा कलंक उनके ऊपर लग गया। कोई पाप करता है और किसी को भुगतना पड़ता है। यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े और परमेश्वर के सामने शाम तक मुंह के बल गिरे पड़े रहे, बोले ये क्या ऐसा क्यों, जबकि पड़ा रहना किसी और को चाहिए। लेकिन यहां पर जो पश्चाताप है वो भी कोई और कर रहा है, कोई और पाप कर रहा है, पाप किसी और का, और भुगत रहा है कोई और। एक बार ही लियाना आप को जाकर बोल दिया क्या, आप जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बरसात नहीं गिरेगी। पर इसका कारण क्या था? इसका कारण था आहाब का पाप, इजेबेल का पाप, उसकी पत्नी, पति पत्नी एक होते, एक की वजह से पूरे इज़राइल के अंदर
अकाल के। एक पाप कर रहा है और पूरी इसराइल प्रजा जो है वो भुगत रही है। आहा पाप करता है और इसराइल के लोग जो है वो भुगत रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन पहले राजा में ऐसा लिखा है, पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका 3रा पद। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। देखो एलिया ने प्राण उसको दबाकर भागे बचने के लिए। पाप किसका था? आहाब का। और बचने के लिए कोई और प्रयत्न कर रहा है? मरना तो आहाब को चाहिए, दंड तो उसके ऊपर आना चाहिए। और भाग कौन रहे? परमेश्वर का मूल्यवान दास। कोई और पाप कर रहा है और भुगत रहा है, परमेश्वर का दास उसको वहां पर भुगतना पड़ा। पूरी प्रजा को अकाल का सामना उनको करना पड़ा। पाप दूसरों का और परमेश्वर के लोगों को भुगतना पड़ता है। कोई और पाप करता है और परमेश्वर के लोगों को भुगतना पड़ता है। प्रभु इस धरती पर आए, क्रूस पर मर गए, उन दुखों को उठाया, किले को सहन किया, कांटों का ताज सहन किया, कोड़ों की मार को सहन किया, ये सब कुछ उन्होंने भुगता। पाप किसका? पाप हमारा। और भुगता किसने? प्रभु इसने भुगता। और ध्यान समझना, और इंसान ऐसा है कि उसको बाद में भी नहीं पता चलता कि वो जो भुगत रहा है ना मेरे पाप की वजह से भुगत रहा है, वो जो भाग रहा है ना मेरी वजह से भाग रहा है, मेरे पाप की वजह से भाग रहा है। ये लोग 40 साल इधर उधर घूम रहे हैं, वो मेरे पाप के कारण उनको पता भी नहीं चलता। पाप करते हैं कोई और भुगतता है, परमेश्वर के लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन जो पाप करता है उसको तो बाद में भी नहीं पता चलता कि मेरे कारण इसको ऐसा हुआ, मेरे कारण इसको भुगतना पड़ा। यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा है, यशायाह उसका 53 उसका 2 और 3 पद पढ़ दो। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। देखो लोगों की पाप की वजह से प्रभु क्रूस पर मर रहे थे और लोग आनंद कर रहे थे। क्यों? बोलो अच्छा इसको भुगतने दो उसका पाप। लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे पाप की वजह से मेरे प्रभु से भुगत रहे, उनको तो ऐसा उसी का पाप है। इंसान खुद गलती करता है उसकी वजह से कोई और भुगत रहा है, और जो भुगत रहा है उसको देखकर हाँ किया ही होगा इसने, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं कर रहा हूं और परमेश्वर का दास परमेश्वर के लोग वो भुगत रहे, उसको नहीं पता चलता। एक बार एक भाई साहब अनपढ़ थे और एक कागज और पेन लेकर उसमें कुछ लिखते थे, तो शहर वाले उसको जानते थे तो अनपढ़ है। बोले तू लिख रहा है? बोले हाँ मैं लिख रहा हूं। तो बोले क्या लिख रहा है? बोले मेरा मित्र है ना उसको एक लेटर भेज रहा हूं। बोले तो वो तुझसे कहाँ लिखना आता है? लोग जानते थे तो अनपढ़ है, वो तुझे कौन सा लिखने के लिए आता है? तो बोले मेरे मित्र को पढ़ना भी कहाँ था। करे कोई भुगते कोई और फिर भी ये नहीं पता चलता मेरे अंदर पाप है उसकी वजह से वो भुगत रहा है। अभी उसको तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो जो भी कर रहा हूं मैं तो सही कर रहा हूं। उसको नहीं पता चलता कि मेरी वजह से कोई और जो है परमेश्वर का दास जो है परमेश्वर के लोग जो है वो भुगत रहे, उसको नहीं पता चलता। वही लोग बोलने लगे, यीशु को देखकर बोलने लगे, बोले तो परमेश्वर से मार खाया हुआ है,
इसने जरूर कुछ ऐसा काम किया होगा। इसी कारण इस पुरुष को प्रभु यीशु को ये भुगतना पड़ता है। लेकिन पाप किस हमारा था, हम इंसानों का था। पाप देखने जाओ तो पाप का मतलब तो ऐसा होता है कि आज्ञा को नहीं मानना। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि पाप का मतलब मूर्खता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा भजन संहिता उसमें ऐसा लिखा है कि मूर्ख ने ऐसा माना कि परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने ऐसा माना कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर तो है। वो कैसा मानता है कि परमेश्वर नहीं है, तो फिर कौन उसकी आज्ञा माने। एक भाई साहब चाहे नरेंद्र मोदी कितना भी बोले स्वच्छ भारत बनाओ स्वच्छ भारत बनाओ, वैसे जाहिर में एक जगह पर जहाँ पर किसी मैदान की दीवार लगी हुई थी वहां पर पेशाब कर आ गया। किसी ने उसको बोला पैसा पता नहीं चलता कि, बोले कोई बात नहीं मेरा नाम नहीं आने वाला है, किसी को नहीं पता चलेगा। बोले क्यों? बोले कुत्ते का नाम आने वाला है। बोले क्यों? बोले वहां पर लिखा था यहाँ कुत्ते पेशाब करते। यह मूर्खता है। परमेश्वर के वचन को नहीं मानना, पाप करना वो मूर्खता है। लेकिन उसको क्या लगता है, मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता मैं तो बहुत ही बढ़िया कर रहा हूँ। एक बार पौलुस को लेकर सिपाही लोग जा रहे थे बंदी बनाकर, और लोग जहाज में जा रहे थे, और तब पौलुस ने पवित्र आत्मा से भरकर उनसे बात की। और बाइबल में ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम में, प्रेरितों का काम उसका 27वां अध्याय और 9 और 10 पद पढ़ दो। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। देखो पौलुस ने स्पष्ट बता दिया कि देखो अगर हम सफर में जाएंगे तो बोले हमारा जो माल है वो तो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, हम भी मर सकते हैं। बोले इसलिए सफर को रोक लो। मुझे ऐसा पता चलता है आंधी होगी तूफान होगा, हमको सफर नहीं करनी है। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, अरे तो बोलता रहता है छोड़ो, चाहे परमेश्वर का दास है तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा से बोलता है तो क्या हुआ, नहीं माना तो नहीं मानना। तो कई लोग ऐसे मूर्ख है जो मानते नहीं, वो लोग निकल पड़े। और फिर रास्ते में क्या हुआ, आगे पढ़ो तो उसका 20 और 21। और जब बहुत दिनों तक सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। देखो पौलुस खुद बोल रहे हैं हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर रूते से जहाज खोलते और न विपद और हानि उठाते। देखो मगर मेरा कहा मान लेते तो वहां पर रुक जाते और कुछ भी नहीं होता हमको। फिर परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी देखो पौलुस ने और आगे बातें की, चलो कोई बात नहीं, पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना करते है। लेकिन यहाँ पर देखो पाप किसका है, लोगों का है। भुगतना किसको पड़ता है, पौलुस को भी। पाप कोई और कर रहा है, पौलुस ने चेतावनी दी थी ऐसा होगा, हम मर सकते हैं, हमारा सारा सामान वो खत्म हो सकता है, उसका नाश हो सकता है, हम भी मर जाएंगे, नहीं बढ़ना आगे हमको। लेकिन लोगों ने माना नहीं, गलती उनकी। और भुगतना देखो परमेश्वर के दास को भी पड़ रहा है। पौलुस को भी कई दिन तक खाना नहीं मिला और उनका भी सारा सामान जो था वो सब कुछ समुद्र में डाल दिया। जब कोई चेतावनी नहीं देता है पर इंसान सुनता नहीं है, और उसकी वजह से पाप तो उसका है लेकिन परमेश्वर के दास को भी भुगतना पड़ता है। एक बार जवान लड़का पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था,
और एक बड़ी सी डाली जो है वो काट रहा था। उसके बाप ने वहीं पर उसको दो थप्पड़ लगा दिए और बेटा बोला कि पापा कल मेरा मित्र महेश वो भी तो ऐसे पेड़ पर चढ़ा था, वो भी तो डाल काट रहा था, उसके बाप ने तो उसको नहीं मारा, आप क्यों उसे मारते हो? बोले उसने वो डाली नहीं काटी थी जिसके ऊपर उसका बाप बैठा था। अरे मूर्ता कर तो मारे भी नहीं, उसको पता भी नहीं चलता कि उसको नहीं मारा ना मुझे क्यों मारते हो। इंसान जब उसको चेतावनी मिलती है परमेश्वर के वचन से वो मानता नहीं है, वो समझता नहीं है, और भुगतना उसको नहीं भुगतना जो परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर के लोगों को वो भुगतना पड़ता है। और शमूएल के पुस्तक में लिखा है पहला शमूएल उसका 14वां अध्याय और शाऊल जो इसरा के पहले राजा बने परमेश्वर के रास्ते पर सही से चलते नहीं, परमेश्वर के आज्ञाकारी सही से करते नहीं। और इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो खुद परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी नहीं मानते, लेकिन दूसरों के जीवन में वो इस तरह से आते हैं, नहीं तुम्हें यह करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, खुद नहीं करेगा कि? लेकिन दूसरों को जो नहीं है ना ऐसी बातें भी बताएगा कि? शाऊल राजा खुद नहीं चलते कि? और देखो वहां पर क्या लिखा है पहला शमूएल उसका 14वां अध्याय उसका 24वां पद। परंतु इज़राइली पुरुष उस दिन तंग हुए क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ कर धरा कर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए। देखो यहाँ पर परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा नहीं थी, ये खुद नहीं चलता और लोगों को शाम तक तो कोई नहीं खाएगा, उपवास रखो। अभी लड़ने के लिए जा रहे, ये कोई फास्टिंग प्रेयर मीटिंग नहीं है, लड़ने के लिए वहां तो सामर्थ्य चाहिए, वहां तो खाकर जाना चाहिए। और ये बोलता नहीं कोई नहीं खाएगा शाम तक, ना खुद चलता है और लोगों के आगे ऐसा करता है कि लोग भी उससे तंग हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। फिर से पढ़ते 24वां पद। परंतु इज़राइली पुरुष उस दिन तंग हुए, ये लोग परेशान हो गए अपने राजा से, चलाने वाले से, मतलब कैसा इंसान है खुद चलता नहीं और हमारे पास जबरदस्ती करवाता है, और वो भी जो परमेश्वर ने बोला। एक इंसान वो चिमटे में सांसी चिमटे के अंदर एक जो अखबार आता है उसका कुछ पड़िका बनाया हुआ था, उसको उस चिमटे से पकड़कर भाग रहा है, ए भाजोड़ा। सभी को ऐसा इसके अंदर है क्या? बोले क्या है? बोले गर्म मसाला है। अब उससे क्या होने वाला है? लेकिन लोगों को भी डरा रहा है, खुद को नहीं पता चलता और लोगों को भी इस तरह से डरा रहा है। ऐसे लोग जो है वो कोई काम के नहीं, ना खुद चलते हैं और लोगों के ऊपर कुछ ऐसी बातें डाल देते। कई लोगों के तो पैसे भी काम के नहीं होते, वो ध्यान समझना। चाहे लोग प्रचार करते हो, दस मास दो, दान दो, ये लाना है वो लाना है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि कई लोगों के तो पैसे भी नहीं लेने चाहिए। कई लोगों के पैसे भी ऐसे आते, लेना ही नहीं चाहिए, चाहे दे तो भी नहीं लेना चाहिए। अनन्या सफीरा क्या बोला पतरस ने? बोले झूठ बोलते हो पवित्र आत्मा से और हमारे पास आते हो। पहले उसका पति मर गया अनन्या, उसके बाद सफीरा भी मर गई। सीमोन जादूगर वो पतरस से कहता है, लो पतरस पैसे लो, मुझे भी अधिकार दे दो कि मैं भी प्रार्थना करूं लोगों को पवित्र आत्मा मिल जाए। ऐसे कोई पवित्र आत्मा नहीं मिलते, पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना हुआ है, सभी के हाथ से वो पवित्र आत्मा नहीं मिलते। पतरस से हाथ से मिल रहे, योना के हाथ से मिल रहे, बोले मुझे भी अधिकार दे दो मैं पैसा देता हूँ। ऐसे पैसे जो है वो ऐसे पैसे किसी के काम के नहीं। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जो अगर कुछ दे रहे और इंसान लेने के बाद फंस जाए
एक बार एक इंसान ने नेत्रदान चक्षु का दान कर दिया, वो भी जीते जी, ऐसा भी नहीं कि मरने के बाद, और ऐसा भी नहीं था कि वो मरने वाला था, आंखें भी अच्छी थी उसकी। उसका मित्र उसके पास पहुंच गया, लकड़ी लेके ऐसे ऐसे चल रहा है, बोले पागल हो गए, नेत्रदान करना था तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद बोल देना था, पहले क्यों किया। बोले उसमें ऐसा हुआ ना कि नरेंद्र मोदी हमारे बड़ा प्रधान बन गए, उन्होंने हमारे राज के अंदर दारूबंदी घोषित कर दी और 3 पोटली पीने के बाद मेरी आंखें खुलती थी, अब पैसे लाओ कहाँ से, पोटली लाओ कहाँ से, आंखों खोलूँ कहाँ से। जिसके पास गए उसको भी पहले 3 पोटली चाहिए, वो भी याद करेगा, उससे पहले खुलने वाली नहीं। ऐसे लोगों के पास कुछ मिल जाए क्या फायदा। एक भाई साहब ने प्रचार में सुन लिया 10 मास देने से आशीषित होते, उसे पास्टर को बोला, पास्टर मैं भी देना चाहता हूं। उसने अपना हिसाब लगाया 38,000 उसका 10 मास। बोला लो पास्टर साहब मैं भी आशीष दूंगा। हफ्ते बाद ऐसा हुआ उसके पास पैसे ही नहीं है, उसको 12,000 की जरूरत महसूस हो गई, वो चले गए पास्टर के पास, पास्टर साहब मैंने अभी हफ्ते पहले दिया है 38,000, एक काम करो उसमें से 12,000 मुझे दे दो, ये मेरे पर कर्जा मैं वापस दे दूंगा, 10 मास तो मुझे देना चाहिए, आपने सीखा है, मैं दे दूंगा लेकिन अभी तो 12,000 दो, अभी मैं कुछ तंग हूँ मुझे दे दो 12,000। पास्टर को पैसा चलो कोई बात नहीं, ले जाएगा वापस तो देकर ही जाएगा, 12,000 दे दिए उसको। अभी हफ्ते हुए, 10 दिन हुआ, महीना हो गया, लेकिन इसके पास पैसे नहीं आए, इसने लौटाया नहीं। पास्टर ने किसी और से बात की, बोलो भाई साहब मेरे से लेकर गए 12,000 अभी तक नहीं लौटा है। वो भाई साहब ने उसको बोला पास्टर के पैसे ले लेता है, पता नहीं चलता तो उसे 12,000 ले गए। उसको आया कि उसके पास्टर ने उसको क्यों बोला, वो गया पास्टर के पास, बोले 38,000 में से 12 माइनस करो बाकी के पैसे लाओ। और ये कोई जोक नहीं है, सही बात, ऐसी हो चुका है ना, 38 में प्लस माइनस है ना 12 में प्लस माइनस है। अभी ऐसे लोगों के पैसे किसी को मिल जाए क्या फायदा। हालेलुया। तो पाप कोई और करता है और भुगतना किसी और को पड़ता है। एक बार किसी ने मुझे कर दिया, आप सब लोग जानते हो, उसको तो कुछ नहीं भुगतना तो मुझे पड़ा, लोगों ने मेरी बातें की, अगर परमेश्वर ने दिया होता तो नहीं लेते। पाप कोई और करे और भुगतना पड़ता है परमेश्वर के लोगों को। लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर सच में बहुत अच्छे और बहुत भले परमेश्वर। वो क्या कहते हैं जो वचन आज हमने पढ़ा था, रोमी उसका 12वां अध्याय और उसका 14वां पद, अपने सताने वालों को आशीष दो। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने सताने वालों को आशीष दो। अपने सताने वाले को आशीष दो। देखो कोई पाप करे और पाप की वजह से हम परेशान होते हैं, हमको भुगतना पड़ता है। वो 10 लोगों ने गुनाह किया और देखो मूसा वहां पर नहीं जा पाए, यहोश और कालेब को 40-40 साल तक वेट करना पड़ा, नहीं तो 40 साल पहले वो तो अपने अंगूर की बारी लगाकर बैठ जाते, लेकिन 40 साल तक उनको भी उनके साथ सिर पहाड़ के चारों ऐसे घूमते रहे। तो 40 साल में इनकी भी तो हो सकती थी ना कोई गलती, ये भी तो नाश में जा सकते थे। हालेलुया। देखो करता कोई हो भुगतता कोई और है। अगर उस 10 लोगों ने उस वक्त गलती नहीं की होती तो मूसा भी चले जाते वहां पर, लेकिन मूसा को भी इनको उठाए 40-40 साल तक इधर उधर घूमता रहना पड़ा। वो 36 लोग नहीं मारे जाते अगर आकान ने पाप ना किया होता तो। पाप आकान ने किया और भुगता वो 36 लोगों ने। यहोशू मुंह के बल जो है वो मुंह के बल वो गिर पड़े। ये सताने वाले मालूम नहीं किस रीति से आ जाए और किस तरह से आपको परेशान कर जाए।
एक बार किसी ने मुझे दान दिया, घर पर जाकर देखा कि 2 500 की नोट दोनों बीच में से फटी हुई, पूरे 2 टुकड़े उसको गम लगाकर चिपका कर दिया। अभी क्या काम के पैसे करे कोई और भुगते कोई, परमेश्वर के दास को भुगतना पड़ता है। और परमेश्वर का वचन फिर भी क्या कहता है, फिर से पढ़ो 14 पद। अपने सताने वालों को आशीष दो, हाँ आशीष दो, शाप नहीं। देखो फिर भी परमेश्वर क्या बोलते हैं, सताने वाले को क्या करो, आशीष दो। फिर क्या लिखा, आशीष ही दो। अब जोर लगाकर परमेश्वर बोलते हैं, कुछ भी मत बोलो उसके खिलाफ, आशीष ही दो उसको। और परमेश्वर बोलते हैं, उसको श्राप मत दो। हालेलुया। देखो इतने लोग भुगत रहे, मूसा को भुगतना पड़ता है लेकिन श्राप नहीं दे सकते मूसा को, मूसा फिर भी प्रेम करते। परमेश्वर बोले, परमेश्वर नहीं, इसको मारो मत, इसको ले जाओ उधर। यहोशू वो फिर भी परमेश्वर के आगे मुंह के बल गिरकर बोल रहे कि परमेश्वर क्या हुआ हमसे गलती की। लेकिन चाहे आपको कोई कितना भी सताए, किसी भी रीति से सताए, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि आप उसे श्राप ना दो, आप उसे क्या दो, आशीष दो। किसी की वजह से आप परेशान हो रहे, किसी की वजह से आप दुखी हो रहे, किसी की वजह से आप भुगत रहे, और आपको क्या बोलना है, परमेश्वर तुझे आशीष दे। परमेश्वर का वचन भी कुछ अजब से कि परमेश्वर फिर भी क्या बोलते हैं, उसको आशीष दो। क्यों परमेश्वर आशीष देने को बोल रहे हैं, वो ध्यान संबंधक। क्यों परमेश्वर अपने दासों को नहीं देखते जो ऐसा बोलते हैं कि मेरे दास को अगर सताया तो इसका मतलब है कि मेरी पुतली को छूना। हालेलुया। वही परमेश्वर बोला है, मेरा अभिषिक्त लोगों को छेड़ो नहीं, उनको सताओ मत। लेकिन हमको क्या बोलते, तू आशीष देख, तू श्राप ना देख, आशीष ही देख। क्यों परमेश्वर हमें ऐसा बोलते हैं कि नहीं, चाहे कोई भी हो कितना भी सताए लेकिन तू उसको आशीष ही देख। क्योंकि वहां पर लिखा है जो वचन हमने पढ़ा था, रोमी उसका 12 अध्याय और पढ़ो तो उसका 19 पद। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना। हे प्रियो, परमेश्वर देखो अपने लोग क्या बोलते हैं, हे प्रियो बदला मत लेना। हाँ फिर, परंतु क्रोध को अवसर दो, लेकिन मेरे क्रोध के लिए रास्ता छोड़ो, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। तेरा क्रोध क्या, तू ज्यादा से ज्यादा 2 थप्पड़ लगाएगा? मूसा को अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करेगा, 2 डांग मारेगा? नहीं मूसा तू कुछ मत कर, यहोशू तू कुछ मत कर, लेकिन तेरे सताने वाले मैं देख लूंगा। तू उनको आशीष दे, तू आशीष ही दे, तू श्राप ना दे, लेकिन परमेश्वर के क्रोध के लिए तू रास्ता छोड़ दे। और देख मेरा क्रोध उसके ऊपर भड़केगा। और पढ़ो आगे, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर बोलते हैं बदला लेना मेरा काम है, और प्रभु कहता है हाँ मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे परमेश्वर का दास छोड़ दे, परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर वो नहीं छोड़ेंगे। मालूम है 6,03,528 लोगों का क्या हुआ, 38 साल में खत्म हो गए। उनका एवरेज देखो तो हर रोज कम से कम एवरेज के हिसाब से देखो 44 लोग मरते थे, 44 लोग। इसराइल के लोग हर रोज तफन करते थे 44 लोगों को, 44 जगह से उनकी जमात में से रोने की आवाज आती थी, मेरा भाई मर गया, मेरा बाप मर गया। 44 लोगों को हर रोज तफन करते थे, लेकिन मेरे परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का हुआ था 38 साल तक भड़का रहा, और 6,03,548 को खत्म कर ही दिया। परमेश्वर 40 साल बोले थे, लेकिन साथ में ये भी बोला तुम्हारी लाश से गल जाएगी, तो 2 साल पहले ही सभी को खत्म कर दे, क्योंकि लाशों का गलना जरूरी था। तू उसको माफ कर, तू उसको आशीष दे, क्योंकि तू अगर दंड देगा ना, तेरा दंड सही नहीं होगा, मैं दंड दूंगा। परमेश्वर के खिलाफ मत जाना, परमेश्वर का दास छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर जो है वो स्पष्ट बोलते हैं,
वो 6,03,548 पद पूरी रीति से उनको कोई बीमारी नहीं हुई, उनको तो ऐसा था मुझे कुछ नहीं होने वाला, और अचानक से एक मर जाते थे, चाहे उनका हार्ट फेल हो जाता हो चाहे कुछ भी होता हो, लेकिन अचानक से मर जाते थे। और यहोशू की किताब में लिखा है उसका 7वां अध्याय उसका 25 और 26 पद, तब यहोशू ने उससे कहा तूने हमें क्यों कष्ट दिया है, आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इज़राइलियों ने उसको पत्थरवा किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। आज तक के देखो कितना ढेर उनके ऊपर लगा दिया, कितने पत्थर मारे हुए उनको। परमेश्वर बोलते मैं बदला लूंगा। यहोशू ज्यादा से ज्यादा क्या करते, यहोशू आकान को क्या करते, बेटा कोई बात नहीं दूसरी बात ध्यान रखना, 2 थप्पड़ लगा दे तेरी वजह से 36 लोग मारे गए, अब तेरे से गलती ना हो। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मेरे परमेश्वर वो ऐसे वैसे परमेश्वर नहीं है। अनानिया उसी वक्त मर गया, चाहे पतरस के पास गए थे लेकिन फिर भी मर गया, उसकी पत्नी सफीरा भी उसी वक्त मर गई, दोनों की मौत एक साथ में वहां पर हो गई। क्या हुआ सिमोन जादूगर का, वो भी श्रापित हो गया, परमेश्वर ने उससे भी बदला दिया, वचन नहीं मानना। जिसके जरिए वचन आता है उसके वचन को नहीं मानना, बहुत ध्यान समझना कि जो वचन आपके पास आते हैं ऐसे ही नहीं आते। परमेश्वर के दास चाहे आप लिखो या ना लिखो, चाहे घर पर जाकर पढ़ो या ना पढ़ो, चाहे दूसरे संडे आपको याद हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का दास आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको उस ऊंचाई के ऊपर ले जाने के लिए, आपको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए जो मेहनत करता है, जो रात में परमेश्वर के साथ बैठता है, जो परमेश्वर से पूछता है परमेश्वर क्या लिखा है, कहां पर लिखा है, मुझे क्या सिखाना है, आपके लोगों को आज आत्मा का कौन सा मन ना देना है। और जब इतनी गहराई से आया वो वचन, जब दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देता तो क्या उसको नहीं पता चलता है, क्या परमेश्वर के दास को नहीं पता चलता, कोई बाहर से आकर उसको बोल कर जाता है तुम्हारे अंदर ऐसा है, तो क्या सिखाने वाले के दिल के अंदर असर नहीं होती क्या। लेकिन ये सताने वाले को परमेश्वर क्या बोलते, तू माफ कर मैं देख लूंगा, तू उसको प्रेम कर, तू उसको आशीष दे, तू आशीष दे, तू श्राप मत दे उसको। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैं नहीं छोड़ने वाला उसको, मेरे क्रोध के लिए रास्ता छोड़ दो, मेरे क्रोध के लिए रास्ता छोड़ दो। इब्रानी में लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना वो भयानक सी बात है, वो भस्म कर देने वाली आग है। नया नियम बहुत अच्छा, नया नियम बहुत अच्छा, अनन्या नया नियम में था, सफीरा नया नियम में ही थी, सिमोन जादूगर वहीं पर था। नया नियम में लिखा है कि मेरे भाई और लोगों को बोल दूंगा नरक में जाओ, पुराने नियम में नहीं लिखा, नए नियम में लिखा है परमेश्वर के क्रोध के लिए रास्ता छोड़ो, पुराने नियम में नहीं। वही मेरा परमेश्वर नए नियम के परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों को सताना, जो वचन उनको मिलते उस वचन को नहीं मानना, ये सताने के बराबर है। लेकिन परमेश्वर बोले कोई बात नहीं, तू तेरा काम किए जा। लेकिन जब मेरी बारी आएगी और परमेश्वर की बारी की राह मत देखो, उसका इंतजार मत करो। पौलुस ने बहुत सताया, परमेश्वर की रोशनी उसके ऊपर चमकी, परमेश्वर की आवाज आई। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 9वां अध्याय और उसका 4वां पद, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल
तू मुझे क्यों सताता है? देखो एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? ये कौन सा परमेश्वर को सता रहा था? ये कौन सा प्रभु इसको सता रहा था? ये परमेश्वर के दासों को परेशान कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, क्यों उसे सता रहा है? फिर उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पौलुस ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने आप को बदल दिया। तो उसकी हालत वो 603,548 के समान नहीं हुई थी, आकान के समान उसकी हालत नहीं हुई। आकान को भी परमेश्वर ने समय दिया था। या उसको ये नहीं बोला था, आकान बोला सभी को बारी बारी से बाहर निकल, जो होगा मैं तुझे बता दूंगा। अगर उस वक्त आकान बोल देते कि परमेश्वर मैं हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, परमेश्वर उसको छोड़ देते। अगले 10 लोग भी बोलते कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, लेकिन आप हमारे साथ रहो, चलो हम लड़ने के लिए चलते हैं, परमेश्वर आप हमारे साथ आओ, तो कुछ और होता। सताने वालों में से तो पौलुस भी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बदल दिया। अगर बचना चाहते हो, अगर स्वर्ग राज में जाना चाहते हो, तो परमेश्वर इस नए साल में एक और मौका दे रहे, 2020 में एक और मौका दे रहे, 2018 में दिया, जा मेरे बेटे दो आत्मा जीत कर आ। 2019 से फिर बोला, कोई बात नहीं बेटा जा एक बार फिर। आज 2020 एक बार फिर परमेश्वर मौका दे रहे। उसके बाद ये मूर्खता है कि इंसान परमेश्वर के वचन को देखकर ऐसा करे। परमेश्वर बोलते हैं, तू उसको आशीष दे, तू आशीष ही दे, तू श्राप मत दे, लेकिन मेरे क्रोध के लिए रास्ता छोड़ दे। परमेश्वर कहते हैं कि वो जमीन बार बार जिसके ऊपर बरसात गिरती है, लेकिन फिर भी अंदर से कांटे निकालती है, तो बोलो तो श्रापित जमीन है, उसको जला दो, उसको भस्म कर दो, वो किसी काम की नहीं। लेकिन हम ऐसी जमीन बने जो फलवंत हो, हम ऐसी डाली बने जो दाखलता के साथ जॉइंट रहे, हम फलवान हो, ताकि हम प्रभु के चेले बन सके और स्वर्ग के वारिस बन सके। एक और मौका परमेश्वर दे रहे, लेकिन इस नए साल में अपने आप को तैयार करो कि मुझे आज सताने वाला नहीं बनना है, मुझे मानने वाला बनना है, मुझे सताने वाला नहीं, मुझे मानने वाला बनना है। मैं वे सारी गलतियों को सुधार कर अब नए साल में इस तरह से चलूंगा कि मेरी पत्नी को खुश नहीं करूंगा, मेरे पति को खुश नहीं करूंगी, मेरे बच्चों को नहीं, मेरे माता पिता को नहीं, मैं मेरे परमेश्वर को खुश करूंगा। और जो अपने परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर उसके तो दुश्मन को भी उसके साथ मिलाकर रखते हैं, तो आपकी पत्नी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जितना उसके पीछे भागोगे उतना और भगाएगी। आपका पति जितना उसके पीछे भागोगे वो और भगाएगा। आपके बच्चे, आपके माता पिता, लेकिन परमेश्वर के पीछे भागोगे, परमेश्वर इन सभी को आपके पीछे लगा देंगे। आज परमेश्वर एक मौका दे रहे कि 2020 में हम फलवान हो, हम आगे बढ़े, मूर्खता का काम ना करें। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाएं, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है। जो हमारे बीच में है, जो ऐसा कहते हैं अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष ही दो, श्राप नहीं। मेरे प्रियो ये वक्त है हम अपने आप को जांचें, हम अपने को परखें।
लेकिन क्या मैं परमेश्वर के वचन को मानने वाला हूँ या परमेश्वर के लोगों को सताने वाला हूँ? चाहे मुझसे को भुगतना पड़ा, लेकिन जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु ने मूसा को अपने पास उस इज़राइल देश में बुला लिया। यहोशू और कालेब को परमेश्वर उस वचन के साथ लेकर गए। हम सताने वाले नहीं, मानने वाले बने ताकि परमेश्वर की आशीष हम सभी पर आए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जी।